Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sai ke sai link hogi description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Hum dekh rahe hain Lakshya ka video. It's been a long time. Kafi logo ka recommendation tha, humne last time Riddle ka video roast kiya tha, roast video. रिएक्ट किया था महेश के चैनल पे एंड अ लॉट ऑफ यू गाइस सेड के इनको चांस दो. आई मीन वी हैव बीन सीइंग हिज चैनल राइट, लेकिन इतने रिकमेंडेशंस नहीं होते सो आई वॉच इट फॉर माई सेल्फ. मैं वीडियोस नहीं बनाती उन पे, बट सिंस आई गॉट रिकमेंडेशन के ये वाला इनका वीडियो कीजिए सो हियर आई एम. लेट्स गो फॉर इट. लेट्स लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट मृदुल वॉट एवर वी गेट टू. वैसे कोई इच्छा नहीं है बट या स्पेशली आफ्टर नोइंग कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है. ओके सो नाउ आई गेट द पॉइंट, क्योंकि मैंने बताया ना अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट है देन ही हैज लाइक अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स ही कैन डू विद हिज सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम उनका जो ऑफलाइन काम चल सकता है. बट नाउ ही इजंट वन, तो फिर आई मीन हु आर दिस 8 मिलियन पीपल हु आर फॉलोइंग हिम और लिसनिंग टू हिज एडवाइस ऑन वॉट बेसिस फ्रेंकली. ठीक है, इट्स ओके, लेट्स उसके वो बाद में बात करेंगे. इट्स सेज हिपोक्रेसी ऑफ मृदुल. लेट्स गो, लेट्स गेट इट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जो आएगा रहेगा, मजा आएगा. आई हैव सीन दिस वीडियोस आपके साथ भी एंड आई हैव ऑलवेज सेड ही इज रियली गुड एज वेल. सो होपफुली चीयर्स टू डूइंग मोर वीडियोस. देखते इंटरनेट तो देखो जगह हिपोक्रेसी और आयरनी की है, उसमें दिक्कत नहीं है. बट जब ये दिन दहाड़े होने लगे और एक नहीं दो नहीं 10-12 लोगों के साथ होने लगे फिर प्रॉब्लम है. तो अभी 3 हफ्ते पहले काफी सारे कमेंट्री चैनल को एक साथ एक ही टाइम पे लीगल नोटिस आए ईमेल के थ्रू. साले लीगल नोटिस की भी गरिमा नहीं रख रहे. और हमारी कम्युनिटी में लीगल नोटिस का मतलब तुम्हें पता ही होगा, डिफेमेशन के ही आते हैं. बट द फन पार्ट इज इनको हमेशा भेजते नॉन फेमस लोग हैं, या तो मुझे लग रहा है कि इनको डिफेम सुनाई गलत देता है. डिफेम नहीं द फेम, डिफेमेशन भेज के फेम कमा लो. इस बार भेजा है द सस्ते स्किन डॉक्टर मिस्टर मैडहॉक ने, साथ में मल्टीपल क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक भी भेजी है. बट डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो नाम गंदा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा नाम है, किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू. मैं इससे बोलना चाहता हूँ भाई इतने पैसे डायरेक्टली क्रिएटर्स को ही दे देता तो वो ऐसे ही भाईचारे में वीडियो हटा लेते, या इतने पैसे अपनी एजुकेशन में खर्च लेता तो खुद ही कॉपीराइट स्ट्राइक फॉर्म सही से फिल करना आ जाता, क्योंकि पैसे के पैसे चले गए और किसी को स्ट्राइक भी नहीं लगी और एक्सपोज अलग से हो गया. गरीबी में आटा गीला नहीं, गरीबी में आटा चोरी हो गया और गीला खुद हो गया. साथ में मजे की बात यह है कि जिन वीडियोज पे इन्होंने लीगल नोटिस भेजा है और स्ट्राइक भेजी है वो सब 2 साल पुरानी है. तो 2 साल बाद अचानक से वीडियोज हटवाने का क्यों ट्राई किया गया? क्योंकि अभी इसने एक वेबसाइट लॉन्च की है जहां पे ये जैसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर है वैसे ही सेल्फ सर्टिफाइड हेयर केयर स्किन केयर और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बेच रहा है और साथ में प्रोटीन भी. अभी अगर इसको एक लीगल नोटिस कंज्यूमर कोर्ट से भिजवा दिया जाए इनकी सर्टिफिकेशन दिखवाने के लिए तो इसको अभी सारा लो समझ आ जाएगा. अरे वन शुड, लेकिन हम फिर से अपना कीमती समय बर्बाद करने आए देश के सबसे बड़े सेल्फ प्रोक्लेम्ड त्वचा के डॉक्टर से मिलने मिस्टर मैडहॉक, जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना ब्रांड लॉन्च किया है बी साइलेंट के साथ. अरे आपका माइक बहुत काला है, इस पे हल्दी चंदन हरी मिर्च का लेप लगाइए, इतना चमकेगा घर में लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी. माइक को छोड़ो, वेबसाइट वेबसाइट मेरी वेबसाइट क्या चाहिए? मोटे से पतला होना है, पतले से मोटा होना है, वजन कम करना है, हेयरलाइन पीछे जा रही है, स्किन ग्लो करनी है, पापा की खड़ी करनी है, सब मिलेगा मेरी वेबसाइट. हाँ ठीक है, वेबसाइट साइड में छोड़ो, अपनी सक्सेस का राज बताओ. सक्सेस का क्या है? इंटरनेट पे बॉडी शेमिंग करो, रेसिस्ट बातें करो, किसी बड़े सेलिब्रिटी के मरने का वेट करो, हिंदुइज्म के नाम पे मैनिपुलेशन करो और मेरी इनसिक्योर और गवार ऑडियंस. वैसे आपकी वो अभी स्ट्राइक वाला, ओ यार मैं टाइम का थोड़ा शॉर्ट हूँ, अभी रात में एक अपॉइंटमेंट है, मुझे निकलना है तुरंत रात के 10 बजे. अरे भाई घर घर जाके सब्सक्राइबर्स की थ्रेडिंग करने को मीटअप नहीं बोलते. मैडहॉक जी अभी इंटरव्यू कर लेते, फैन वैन मीटअप आप कल सुबह कर लेना. अरे सुबह वो कॉल सेंटर जाती है, मैडहॉक नाम सुन के टीयर 1 क्रिएटर समझी क्या? टीयर 4 ऑडियंस रखता है मैं. इसको इतना नहीं पता कि जिस एजेंसी के बैकअप में आके ये बाकी क्रिएटर्स को नोटिस और स्ट्राइक भेजने का ट्राई कर रहा है वो एजेंसी उन्हीं क्रिएटर्स को भी ईमेल कर रही है टू प्रोटेक्ट देयर सोशल मीडिया इमेज फॉर द वेरी सेम थिंग. इवन मेरे खुद के पास भी उनका ईमेल आया है. 2 साल पुरानी वीडियोस पे कौन सी इमेज बचा रहा था भाई तू? अब वापस से पूरा मामला गर्म हो गया. अब क्या करेगा? अब फिर से वीडियोस हटवाने के लिए 10-20 लाख रुपए देगा? एक तो ये वीडियोस हटवाने के लिए एजेंसी को पैसे देने से पहले तुझे पता होना चाहिए था कि रिएक्शन वीडियोस यूट्यूब गाइडलाइंस के अंडर में आती है. मजाक है क्या उन पे डिफेमेशन डालना? मैं बताता हूँ तुझे, असल में मजाक
मजाक क्या है? For people who think. बॉडी शेम करके उन वीडियोस में अपने प्रोडक्ट्स बेचना मजाक है, अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को बिना किसी मेडिकल डिग्री के मैंने बनाया बोल के बेचना मजाक है, वीडियोस में काले लोगों पे रेसिस्ट रिमार्क पास करना मजाक है, बिना डर्मेटोलॉजिस्ट हुए लोगों को मजाक भी नहीं है वो देना मजाक है, बिना किसी सर्टिफिकेशन के लोगों को अपने चैनल पे मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन देना मजाक है, तेरा पूरा चैनल एक एक वीडियोस अगेंस्ट द इंडियन मेडिकल नॉर्म्स गाइडलाइंस और टोटल मजाक है। मैं भेजू पहले कुंभ मेले का फिर धर्म का मजाक उड़ाने के बाद जब गाली पड़ी तो खुद को सनातनी बोलना ये मजाक है, लोगों की मौत पे कॉन्टेंट मिल्किंग करना मजाक है, रैंडम लोगों की फोटोज अपने कॉन्टेंट में दिखाना उनकी प्राइवेसी ब्रीच करना मजाक है, एक दिन नहीं लगेगा पूरे ये सब चीजों को कंपाइल करके 1000 नोटिस भेजने में। ये देख 10 का स्टाम्प पेपर हम और कंटेंट के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, ऐसा तो मुझे एक याद आ रहा है। अरे मैं डॉग जी, आपकी इमेज इंडस्ट्री में इतनी बड़ी है कि नंगी आंखों से तो दिखती ना, अरे छत पर टेलीस्कोप लगा के देखनी पड़ती है, और ये कुछ क्रिएटर्स आपको बदनाम कर रहे हैं, पर उसमें कर ही क्या सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, स्ट्राइक मारेंगे, एक एक लीगल नोटिस भेजेंगे, बस में थोड़ा सा खर्चा आएगा। खर्चा कितने का खर्चा आएगा? अरे 10 लाख का आएगा। थैंकफुली वी सॉ महेश वाला वीडियो पहले, तो अभी हम रेफरेंस समझ सकते हैं उनके बात करने का तरीका व्हाट्सएवर। एक बार को अंकित बयानपुरिया के खिलाफ मिल सकती है वीडियो इंटरनेट पे, पर आपके खिलाफ नहीं। लेकिन 10 लाख तो कुछ ज्यादा है, मम्मी के गहने सुनार के यहाँ गिरवी भी रख के आऊं तो भी सिर्फ 5 ही लाख हो पाएंगे। डन डन, 5 लाख और आपकी वेबसाइट में 50% की पार्टनरशिप, क्या करोगे 500 रुपए महीना लेके? अरे वेट करिए सर, ये जो 7% आपके आयुर्वेदिक 7% नहीं 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। हाँ वही 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, और सुनो हमारी पीआर के बाद में आपकी सेल बढ़ जाएगी 1 महीने में 10 करोड़ तक, देश का फाइनेंस मिनिस्टर आएगा आपको ऑडिट करने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी वीडियोस में फेक स्किन टिप्स देके अपने प्रोडक्ट्स बेच के टॉप कमेंट अपनी फेक आईडी से कर देता है और फिर उसको अपनी क्रिएटर आईडी से पिन कर देता है ताकि लोगों को लगे अरे भैया बड़ी लेजिट एडवाइस है, तो प्रोडक्ट बहुत ही लेजिट है। और साथ में दूसरा रीजन ये भी है कि लगे हाथ गाली वाले कमेंट नीचे छुप जाते हैं। भाई वो एक्टर माइकल सिंह राजपूत मर गया यार। है? मर गया तो क्या करे, फटाफट रिंग लाइट और कैमरा लगा यार। सुबह से सोच रहा था मैंने क्या कॉन्टेंट बनाए अगला, लेकिन ऊपर वाले कहकर देर है, देर नहीं है भाई, टाइम पे मार दिया। बाकी डर्मेटोलॉजिस्ट पूरी बॉडी स्किन की बात करते हैं, बट ये सिर्फ गर्दन की बात क्यों करता है? क्योंकि इसको डीप लेने का शौक है। शुरुआत इसने मिस इन्फॉर्मेशन बेचने से की थी, आज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वो दिन भी दूर नहीं जब इसको अपना चैनल बेचना पड़ेगा। मैड होक दूसरे के चेहरे और बॉडी पे इतने कमेंट करता है, शायद इसके फोन में फ्रंट कैमरा नहीं है। खुद की हेडलाइन पीछे गर्दन में मिलने को हो रही है और लोगों को बेच रहा है हेयर केयर प्रोडक्ट। हम सब लोगों को गलत फहमी है कि मैडोक को काले लोगों से प्रॉब्लम है, नहीं भाई उसको काले लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका तो घर ही उन्हीं से चलता है कलर शेम करके। इसको लग रहा था कि खुद पे बनी 2 साल पुरानी सटायर वीडियो हटवा के इसकी इमेज क्लीन हो जाएगी, अब 200 वीडियो बिगड़ गई। मैं कह रहा था और क्या बनानी है अगली वीडियो। अबे इतना क्या सोचना भाई, रैंडमली इंटरनेट से कोई काली गर्दन वाली फोटो उठा ले या किसी मोटी लड़की की या किसी टकले अंकल की, अपने को तो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट ही बेचने अपने। और थोड़े इंटेलेक्चुअल बन जाते, कोई वोक वीडियो बना ले रहे हैं, गीता के अगेंस्ट बोल देते हैं, कुंभ के मेले पे बोल देते हैं। चल 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 चल, वो देखे जो हमने कुंभ मेले के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी उस पर कितने व्यूज आ गए, 8.5 मिलियन। और वो देखे जिसमें गीता का मजाक उड़ाया था उसमें, इस पे तो 10.2 मिलियन है। तेरे भाई ने इंटरनेट के एल्गोरिथम हैक किए, तेरा भाई क्रेजी है, अब तो सड़क सड़क एल्गोरिथम भी ऐसी चीजें प्रमोट करता है। चलते हैं, जेनरस बोलेगा ये भी। क्या क्यों सेल्फी लेनी है क्या भाई? हाँ भाई आ जा, दूंगा भाई। तुझे पता है आज मैं क्यों पिटा? हाँ पक्का उस काली गर्दन वाले लड़के ने मारा होगा जिसकी तूने इंटरनेट से फोटो उठाई थी। ना 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 ना। तो किसी मोटी लड़की का भाई होगा फिर वो? ना 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 ना। हाँ तो फिर वो पक्का किसी टकलू अंकल का लड़का होगा। तू ना फटाफट रिंग लाइट और कैमरा लगा, बस तू बैकग्राउंड में राम सिया राम बजाता रहियो। गाइस जब प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास काट के वापस अयोध्या आए माता सीता के साथ, तो पूरे अयोध्या में इतने दिए जलाए गए पूरा अयोध्या जगमग हो गया। उन्हीं दियों का तेल हमारी वेबसाइट पे बिक रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
बस मुझे हेट मत करो, मैं तो प्रो सनातनी क्रिएटर हूँ, मैं प्रो हिंदू क्रिएटर हूँ, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय श्री राम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम लोग मैनिपुलेट होते रहो, मेरा बिजनेस हैम्पर नहीं होना चाहिए गाइस प्लीज। मुझे बुरा ये देख के लगा कि इसने एक एजेंसी को पैसे दिए हैं, वो पहले तो लीगल नोटिस ईमेल पे भेज रहे हैं, दूसरा उन्होंने स्ट्राइक मारने का ट्राई किया तो किसी पे स्ट्राइक भी नहीं पड़ी। भाई वीडियो अभी भी प्राइवेट है और इस वीडियो के बाद उसको भी पब्लिक कर दूंगा। इनको सभी क्रिएटर्स की वीडियो के रिवर्ट में यूट्यूब ने ईमेल कर दिया कि सबका कॉन्टेंट यूट्यूब फेयर यूज गाइडलाइंस के अंडर आता है। और तू ये हरकत ना करता ना कोई तरह से फिर करने भी वाला था, हमें पता भी ना तू एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन वापस देखो मैं कहता हूँ कि बहुत लोग होते हैं जिन पे क्रिटिसिज्म लेना नहीं आता, अपने ऊपर हेल्दी रोस्ट लेना नहीं आता, कोई रिएक्शन वीडियो बना दे, कोई थोड़ा सा भी पिंच कर दे, उन लोगों से सहन नहीं होता। तो मैं कहता हूँ यार ईगो पे लेने से बढ़िया जाके सामने वाले को डीएम कर दो कि भाई मेरे को तेरा ये जोक, मेरे को तेरा ये क्लिप्स, मेरे को तेरी पूरी वीडियो ही अपने ऊपर अच्छी नहीं लगी, प्लीज इसको हटा दो, तो बात करके सब कुछ सॉल्व हो सकता है। मुझे दूसरों का नहीं पता बट मेरे साथ तो हो सकता है, और अगर कोई मुझे वैलिड रीजन दे दे और अच्छे से बात कर लेना तो मैं तो पूरी वीडियो भी हटा दूं, और मैंने हटाई भी है बहुत लोगों के ऊपर वाली, पर नहीं, हम तो सेलिब्रिटी बनेंगे, हम तो एजेंसी पे पैसे फूकेंगे, अब ले लो कद्दू, लाठी भी टूट गई और सांप बन गया एनाकोंडा, अब डबल वीडियो बन गई। कई बार ना ज्यादा होशियारी और छोटी ईगो इंसान का डबल नुकसान करवा देती है। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, अब अपने कंटेंट को और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन को डबल चेक कर लेना, पहले थोड़ा अपनी पर्सनालिटी पे काम कर ले फिर दूसरों की पर्सनालिटी बनवाना। क्रिटिसिज्म ले नहीं पाता, बात करता है कॉन्फिडेंस की, फेक रिव्यूज डलवाता है, बात करता है मोटिवेशन की, खुद फिल्टर लगाता है और बात करता है स्किन केयर की। व्हाट अ हिपोक्रेट जोकर यू आर। खैर दोस्तों आज की वीडियो यही, अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे लक्ष्य ओनली नया घर नहीं नहीं और नए कमरे और नया हॉल नया बेडरूम सीन के कुछ आने नहीं वाला है पीछे, ओके, बट ही इज प्रमोटिंग फाइन, थैंक गॉड हमने वो वाला वीडियो पहले देखा था, बिकॉज हमें वी हैव सीन हिम एंड हिज रेफरेंसेस एंड हिज काइंड ऑफ वीडियोस के वो कैसे बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इट वॉज मोर लाइक अ स्किट, उनकी वीडियोज नहीं दिखाई, वी गॉट द रेफरेंस राइट अवे, आई एम ग्लैड आई सॉ दैट एंड थैंकफुली हमें पता भी है कि वो नहीं है अभी, बट सी इट्स ओके कि इफ यू आर नॉट अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट, ऐसा हो सकता है कि आपने क्रैश कोर्स किया है कुछ चीज में, या फिर आई हैव रिसर्च अबाउट इट सो मच कि तुम्हें उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है, देन से इट दैट वे, नॉट ठीक है ना, यू कैन, और तुम्हारी स्किन पहले, आई वुडन रिकमेंड एनी थिंग एज सच फॉर फेयरनेस और वॉट्स एवर, मैं तो पहले से ही उसके खिलाफ थी, अभी भी हूँ, हमेशा रहूंगी। There's really crazy people out there. I have been saying that पहले से, you know, all skin types are beautiful, this and that. और ये तो मैं YouTube नहीं बनाती थी, उसके पहले I had posted something Instagram पे मेरे, जहाँ पे मुझे किसी की comment आई थी पीछे saying that oh you are hypocrite क्योंकि तुम गोरी हो. I mean saying all skin types are beautiful when I am fair makes me a hypocrite. How? या आई गेट इट के जो लोग यहाँ पे गुजरते हैं, आई हैव फ्रेंड्स हु हैव डस्कियर स्किन टोन्स, ठीक है, एंड आई नो उनके साथ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे आइडिया है, बिकॉज दे आर नॉट फेयर स्किन टोन यहाँ पे, जो बहुत गलत है, विच इज़ द होल रीजन आई नो दैट इट्स नॉट ओके टू डू सच थिंग एंड एनी वे सच थिंग लाइक दैट, सो आई अंडरस्टैंड, वो चीज़ मैं नहीं समझ पाऊंगी बिकॉज मेरे पे नहीं हुआ है वो चीज़, but that doesn't make me a hypocrite and that doesn't make me not say ke all skin types are beautiful because I genuinely believe in it, theek hai, so yeah I uski baat nahi ho rahi hai, but in case samjho ke wo acne ke bare mein baat kar rahe hai, pimples ke bare mein baat kar rahe hai, either he has studied it, theek hai, uska certificate, ya fir unko the pimples and then he got rid of them, so you can share your own journey, your experience ke mere se aisa hua, मेरे ऊपर मैंने ये ट्राई किया इसलिए हुआ, आई एम नॉट सेइंग तुम करोगे तो होगा, डिस्क्लेमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट वर्क्ड फॉर मी, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ यू वांट, राइट, इस तरीके से तुम कर सकते हो, बट या आई मीन वी हैव सीन हिज वीडियोज एंड हाउ लाइक यू नो थोपाफाई ही इज विथ हिज ओपिनियंस एंड स्टफ, और वो भी ही हैज अ होल ब्रांड ऑफ हिमसेल्फ, अगेन मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि तुम ब्रांड नहीं रख सकते, यू कैन कोलैबोरेट विद समवन हु इज एक्चुअली इक्विप्ड इसके साथ, राइट, मतलब देखो बहुत सारे टैलेंटेड स्किल्ड ऐसे लोग हैं जो इसे बना सकते हैं, बट उनकी ब्रांड ऐसे ही ऊपर नहीं आएगी, यू नीड इन्फ्लुएंस उसके साथ, सो इट्स अ बेस्ट थिंग दैट जो ऐसे इन्फ्लुएंसेस करते हैं वो इन्फ्लुएंसर को लेके उनके साथ कोलैब करे, सो यू हैव लाइक अ प्रॉपर मेडिकल बैकग्राउंड एंड यू हैव इन्फ्लुएंस, परफेक्ट कॉम्बिनेशन, तुम सब खुद कर लोगे
नहीं होता. आई होप पीपल आर नॉट बाइंग स्टफ बिकॉज काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो बेचते हैं इस तरह से एंड देन इट्स रियली हार्मफुल टू योर बॉडी. तुम सोच रहे हो हाँ मैं तो बॉडी बनाऊंगा, मैं कम करूंगा, बॉडी कम करूंगी, सादा करेंगे एंड देन यू जस्ट एंड अप इन अ रॉन्ग. योर बॉडी इज अ टेम्पल, प्लीज ट्रीट इट द राइट वे. एनीवे दैट्स व्हाट आई हैड टू से. आई लव द वीडियो. इट वॉज नॉट रियली लाइक लो फन रोस्ट वीडियोज बट आई नो हिज वीडियोज आर वेरी टू द पॉइंट एंड आई लाइक दैट. होप यू एंजॉयड. Let me know what you have to say about this and I'll see you guys next time. Bye berries. Love you.